पारख प्रकाशे जो भये गुरुदेव आपक बीर वंदा चरण तिनके भले जेहि प्रेम सदगुण तेर प्रेमी की भाव चाल मन जो प्रेम दिल सा चार है वही बोध वही शोध तव प्राप्ति हो स्थिति वह आप ही नास ब्रह्म मार्ग चलाया ज्ञान बीजक बनाया ग्रंथ जो भया परमान कबीर ऐसा नाम जेहि सोई जनाया जान काय ज्ञान को जोहान वही बंदी मम मन मान अज्ञान को जो हान कर वही बंदी मम मन मा बंदी चरण तिन के बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पारक प्रकाशे जो भय गुरुदेव आप कबीर हैं वंदों चरण तिनके भले जेहि प्रेम सदगुण तीर हैं। सदगुरु श्री प्रेम साहेब के द्वारा भवयान के रचयिता सदगुरु श्री विशाल देव को वंदना में सदगुरु कबीर के स्मरण करते हुए कबीर के रूप में सदगुरु विशाल देव को देख करके स्तुति करते हैं। हे गुरुदेव आप पारक के प्रकाश करने वाले हैं। पारक पारक कहते हैं ज्ञान को। पारक जाते सकलो परखिया सो पारक निज रूप तहां होय रहो अस्थिर तो नहीं झाई भ्रम को। सदगुरु श्री काशी साहेब के द्वारा दिया हुआ अमृत वाणी है। जाते सकलो परख या सो पारख निज रूप। किससे सबको परखा जाता है? आंखों से? नहीं नहीं, जिसकी सत्ता से आंखें देख करके भिन्न भिन्न विवेक करके सार को ग्रहण करता है और असार को त्याग करता है। केवल आंख नहीं, पारक की सत्ता से मन सहित विवेक कर इंद्रियों से परख परख करके बाहर के वस्तुओं को परखा जाता है। साथ में विवेक के चक्षु हैं। बिन विवेक ज्ञान नहीं हो सकता है।
अब बिना ज्ञान के वैराग्य भी नहीं हो सकता है। मन माया का जो प्रबल आसक्ति है उसे भी हम त्याग नहीं सकते हैं। इसलिए जाते सकलो परखिया, जिससे सबको परखा जाता है, किससे? आत्मा से, आत्मा की सत्ता से। आत्मा शरीर के अंदर में ना रहे तो शरीर के अंदर में नहीं रहने से, न होने से आंखें देख नहीं सकती हैं। मन है सत्यासत्य का निर्णय कर नहीं सकता है, क्योंकि जहां पर आत्मा है वहां विवेक है, वहां मन है और वहीं इंद्रियां हैं। आत्मा निकल गया शरीर से तो विवेक करने की शक्ति भी समाप्त है, मन भी समाप्त है, इंद्रियों के ज्योति भी समाप्त है। सबके मूल में है आत्मा। जाते सकलो परखिया सो पारख निज रूप, जिससे सबको परखा जाता है वह पारख प्रकाशी निज रूप आत्मा है, अपना स्व सत्ता चेतन है। उसी को बीजक में सतगुरु कबीर ने कहा, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, जीव रूप एक अंतर बासा। अंतर ज्योति किन पर काशा। अंतर ज्योति और जीव रूप सतगुरु कबीर आत्मा को लखाते हुए कहते हैं, तुम बाहर कहाँ ढूंढते हो? जिसे तुम खोजते बाहर वह तुम्हारा अंतर ज्योति, अंतर भीतर में ज्योतिष स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, जीव स्वरूप आत्मा है। उसी को जानो, उसके ही जाने बिना हम मन माया के चक्कर में अनादिकाल से भटक रहे हैं। भटकने के कारण क्या है? अपने को न जानना, अपने को न जानना। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं किसमें बंधा हूं, ये भिन्न भिन्न विवेक सद्गुरु कबीर के अमृतवाणी बीजक के माध्यम से होता है और संतों के द्वारा होता है, सत्संग से होता है। इस प्रकार से सत्संग की जीवन में महती आवश्यकता है। सत्संग से ही आत्मतत्व का बोध हो सकता है। आत्मा को हम न जान पाया, केवल प्राणी और पदार्थ जो अपना नहीं है, अपना नहीं है, जिसको मैं मानता हूं, देह और पदार्थ प्राणी सत्य तुमको भासते हैं। सोच लो जो कुछ मिला है छूटने के वास्ते हैं, जो मिला जो मिल रहा है जो मिलेगा छूटना है। मोह का मजबूत बंधन जगत का यह टूटना है।
उलझ कर संसार में तू भोगता दुख आ रहा है। सोच कर निष्कर्ष लो इस द्वंद्व में क्या पा रहा है। सिर पटकते उलझते संसार में क्या सार पाया। साधना की मूल पूंजी समय शक्ति को गवाया। एक से हैं एक बढ़कर, एक से हैं एक बढ़कर हो गए ऐश्वर्यशाली। छोड़ कर सब कुछ यहीं आखिर गए वे हाथ खाली। नाम और निशान उनका खो गया है आज सारे। है यही दस्तूर जग के तथ्य मेरे ओ तुम्हारे। क्षणिकता में बैठकर स्थैर्य का भ्रम पालते हो। भोग कंकड़ हाथ में ले मोक्ष मणि को डाल रहते हो। रह नहीं सकता उसे हम साथ लेना चाहते हैं। छूट नहीं सकता उसे हम चित्त से बरखास्ते हैं। आत्मघाती कर्म मेरे ये रुलाते आ रहे हैं। भटकता संसार वन में ठोकरे नित खा रहे हैं। परख कर सब छोड़ दे निज रूप पारक शेष अपना। देह के अवसान तक निज रूप का ही जाप जपना। हमारे जितने भी पूर्वज अनादिकाल से हो चुके हैं वे सब कहाँ हैं? उसका क्या है? क्या लेकर आए और क्या लेकर के गए? केवल जन्म हुआ रोते रोते आया, जीवन बिताया शिकायत करते हुए, अंत में पश्चाताप करते हुए दुनिया से चले गए। क्यों? क्योंकि अपने आत्म तत्व को जाना नहीं और आत्मा में चित्त को जोड़ा नहीं। इसलिए जैसे आया वैसे ही चले गए, कुछ भी नहीं पाया, कुछ लेकर के गया भी नहीं। कुछ पाया होता तो कुछ लेकर के गया होता। इस प्रकार से हमारे जितने भी पूर्वज हो चुके हैं सब आए संसार में। साधन का धाम मोक्ष का दरवाजा नर शरीर प्राप्त किया, लेकिन गुरु बिना आत्मतत्व को जाना नहीं। तो जैसे आया वैसे ही चला गया, लेकिन हम सबके लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है। सुंदर मौका मिला है। सदगुरु कबीर, सदगुरु कबीर का पारक सिद्धांत, आत्मज्ञान परक, और उनके विचारों को बीजक में पिरोया है। उनके वाणी को संतों के माध्यम से हम तुच्छ जीव तक पहुंच गया है। यदि हम अपना काम न कर पाया, आत्मा को परख करके आत्मा में चित्त को जोड़ा नहीं, केवल प्राणी और पदार्थ को सत्य मान करके, शरीर को सत्य मान करके, इसके पीछे ही रात गवायो सोए के, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए। आत्मा को न जानने के कारण रात्रि को सो करके बिता दिया, दिन को खा पी करके
काम धंधा में शरीर और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों को सत्य मान करके, मोह माया में उलझ करके पूरा समय शक्ति को एक दिन दो दिन कहते कहते 10-20 बरस ही नहीं 60-70-80 साल 100 साल के जीवन को यूं ही हमने खो दिया। पाया क्या? कुछ भी नहीं पाया। अवसर मिला था, अवसर मिला था, यूं ही चले गया। आज का समय मिला है, वर्तमान, इस वर्तमान समय को भी हम खोते चले जा रहे हैं। भविष्य का कोई पता नहीं, अंधकारमय है भविष्य। भविष्य का आशा मत करें। कल मैं अपने आप पर विजयी बहु जगता हूँ। भजन का काम, ध्यान का काम, सत्संग का काम कल कर लूँगा। क्या पता कल का दिन आए कि ना आए, और ये अवसर मिले कि ना मिले। आज तो हमारा दसों इंद्रियां ठीक है, पता नहीं कि क्षण इस मन और इंद्रियां धोखा दे दे। अपना हाथ होते हुए पर भी हाथ साथ छोड़ देता है। जिस हाथ का हम गर्व करते हैं, हाथ मेरा है, पैर मेरा है, ये काम कर लूंगा, वहां चले जाऊंगा, क्या भरोसा? क्षण में पक्षाघात हो गया, हाथ और पैर से भी अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकते। तन का गर्व मत करो, काहे गर्व करे नर मूर्ख। यह सब दुनिया फानी है, बिनस जाय सपने की माया, जिमी अंजलि से पानी है, अंजलि के पानी के समान आज तक के जिंदगी खो दिया। प्राणी पदार्थों शरीर के पीछे लग करके, जिसके पीछे लगा सब कोसों दूर हो गया, साथ छोड़ते चले गए हैं। दादी दादा, माता पिता, भाई बहन, आज कौन है हमारा? विचार करके देखता हूं, जन्म से आज तक के जितने भी कुल कुटुंब परिवार, इष्ट मित्र साथी बराते जो कुछ मिले थे, ख्याल करता हूं तो कोई इक्का दुक्का कोई कहीं होगा, सब खो गया। घर और धन सब खो गया, कुछ भी नहीं है। यह तन भी खो दिया मैंने, मन होता है वहां जाऊं। एक समय ऐसा लगता था, समोदा यहां से 7-8 किलोमीटर है, पहुंच जाऊंगा 1 घंटा में, हिम्मत होती थी, आ भी जाऊंगा अपना काम करके। लेकिन अब 1 किलोमीटर आगे घूम करके आने का हिम्मत नहीं होती है। तन वही है ऐसा भासता है। आत्मा केवल वही है, तन वो नहीं रह गया, वो तन नहीं है।
जिस तन को लेकर के, जिस तन के माध्यम से शमोदा आता और जाता है, वो तन नहीं है, लगता है वही तन है, वो तन नहीं है, निकल गया। जैसे नदी की धारा है, नदी पार करना होता है, जिस पानी में हमारा प्रथम पैर रखा गया, नदी पार करते तक वह पानी, पहले पानी में रखा गया पैर, वो कोसों दूर चले गया, अंतिम नदी पार करते तक लगता है वही पानी है, लगता है वही जिंदगी है, वही जीवन है, वो नहीं है, केवल धोखा है। वही पत्नी है, वही पति, वही बेटी बेटा, वही माता पिता है, भासता भर है, केवल भासता है, वही है, वो नहीं है। शव हर क्षण उड़ रहा है, आँख की ज्योति को हम देखते हैं, दीपक, दीपक की ज्योति जलाया गया है, जिस दीपक दिया में तेल और बाती लगा हुआ है, उसमें आग के चिंगारी डाला गया, आग के चिंगारी शुरू रात से अंत रात तक प्रकाश दे रहा है, लेकिन वो चिंगारी नहीं है। जिस समय हमने बत्ती में आग के चिंगारी डाला है, वह चिंगारी हर क्षण उड़ रहा है, उड़ गया, अभी जो दिखाई देता वही है, वो नहीं है। ऐसे ही वही माता, वही पिता, वही भाई बहन, वही बेटी बेटा, वही पति पत्नी है, केवल भासता है, वो नहीं है, केवल धोखा है, धोखा है, केवल आत्मा वही है। प्राणी और पदार्थ शरीर हर क्षण दीपक के ज्योति के समान उड़ रहा है, पानी की धारा के समान निरंतर कोसों खिसक रहा है, हमारा धोखा है, धोखा। आज कल में यह भी नहीं रहेगा, यह भी नहीं रहेगा, केवल धोखा है। और आत्मा कहाँ चले जाएगा? यदि अपने को जाना नहीं, अपने में चित्त को जोड़ा नहीं, तो आत्मा भी मन माया के चक्कर में पड़ करके भटक जाएगा। चौरासी में आत्मा को स्थान मिलेगा। यदि अपने चित्त अपने आत्मा में जोड़ा नहीं, ते आत्मा मन माया के चक्कर में पड़कर वायु के वेग के समान, जिसका कोई ठहराव नहीं होगा, उड़ गया। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी, चार प्रश्न है। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, और कलंक काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है, उस ज्ञान कौन से ज्ञान? आत्मा का ज्ञान है।
उस ज्ञान को हम समझने के लिए, जानने के लिए आज गुरु की शरण में पहुंचने का अवसर मिला है। केवल आज जो समय निकल गया वापस नहीं आएगा। हाथ से छूटा हुआ कमान, जीवन से निकली हुई आयु, मुख से निकला हुआ जबान दोबारा वापस नहीं आता है, गया गया। शिशुपन बालकपन गए बीत, कौमार छिपा जाकर अतीत, या यौवन दो दिन का बहार, आया अधेड़ नीरस तुसार, वृद्धापन व्याधि फूटती है, जीवन की कड़ी टूटती है, जीवन की कड़ी टूटती है। जीवन संध्या की करुण दृश्य, सुख सुवस सुबल होते अदृश्य, अर्धांगी नारी रूठती है, जीवन की कड़ी टूटती है, जीवन की कड़ी टूटती है। नर्तन मिला मुक्ति का साज, तू शीघ्र चेत निज को संहार, सब न्यारी वस्तु छूटती है, जीवन की कड़ी टूटती है, जीवन की कड़ी टूटती है। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच को काल को जीवन कहा जाता है, और जीवन के कड़ी निरंतर टूटती चली जा रही है, फिर भी हमें होश नहीं, जागना है। आज जागने संतो, जागो अभई भोर, जाग जा। बहुतक सोए जन्म सिराए, यहां नहीं कोई तोर, यहां नहीं कोई तोर, संतो जागो अभई भोर, यहां मेरा कुछ भी नहीं है, न कोई मेरा है, केवल अपने आत्मा के अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। मैं धोखा में पड़ा हूं, ये आश्रम मेरा है, ये बिस्तर ये कपड़ा लत्ता मेरा है, केवल धोखा है, कुछ भी नहीं रह जाएगा। हंसा के निकलते ही, प्राण के छूटते ही, जो कुछ शरीर में कपड़ा लपटा है उसे भी निकाल देगा, कोरा कपड़ा फिर लपेट देगा, चार हाथ गड्ढा खोद करके डाल देगा, मिट्टी में दबा देगा, नामो निशान भी नहीं रहेगा। और मेरी आत्मा अपने में नहीं शांत हुआ तो आत्मा मन माया के चक्कर में पड़ करके 84 का यातना में लग जाएगा। इसलिए जागने की आवश्यकता है। इसलिए सद्गुरु कबीर पारक के प्रकाश करने वाले, आत्मज्ञान को देने वाले हुए हैं, और उनके ज्ञान तत्व को बताने वाले हमारे गुरुजन होते चले आए। आज वर्तमान में गोविंद तत्व को लखाने वाले संत गुरुजन आते हैं, लखाना चाहते हैं, लेकिन हम लख नहीं पा रहे हैं, केवल धोखा में जीवन को खो रहे हैं। इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।